हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ये डॉल का ऊपर का पोंचो की तरह बना रखा है मैंने, सर्कल पोंचो। और इसको ही फ्रॉक के आकार आप दे सकते हो यहाँ से और बढ़ाकर। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखाऊंगी इसी को ही फ्रॉक कैसे बनाया जाए यहाँ से शुरू करके। इसको कान्हा जी के टॉप की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। से बनेगा ये। और इसको बच्चे के जैसे 6 महीने के, 1 साल के या और भी बड़े आप फ्रॉक भी बना सकते हो। तरीका वही होगी, बस आपको चेन ज़्यादा लेना पड़ेगा। यहाँ बंद करने के लिए मैंने यहाँ बटन लगा रखा है, पर यहाँ पे डोरी से भी आप इसको बंद कर सकते हो। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैं पिंक कलर के बेबी ऊन से बना रही हूँ। सॉफ्ट ऊन लीजिएगा इसके लिए, और ऊन के मुताबिक मैं 11 नंबर की क्रोशिया से बना रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक नॉट बना लेंगे। नॉट बना के मैं 15 चेन बना रही हूँ, 15 चेन। बना लिया। और उसके बाद यहाँ पे हाथ रख के, उंगली रख के 5 में और चेन बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5। और जहाँ उंगली रखा है ये 6th चेन पे, 6th चेन पे यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद एक चेन यहाँ से स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाया और उसी में ही डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा ऐसे 20 स्टिच आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 चेन बनाई थी, जो 5 चेन में 3 चेन तो वही डबल क्रोशिया माना जाएगा और 2 चेन जो बीच में ये गैप देंगे। इसके बाद फिर यहाँ से एक स्किप करेंगे, नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम उसी में डाल के एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हमारा ऐसे 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 इस तरह से बनता रहेगा। फिर एक यहाँ से स्किप करेंगे नीचे से और उसके नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम उसी में डाल के एक डबल क्रोशिया। इस तरह से पूरा यहाँ तक बना लेते हैं। तो लास्ट का हमारा 2 चेन बच रहा है ये बनाने के बाद, तो एक को हम स्किप करेंगे और लास्ट में इसमें डाल के डबल क्रोशिया, 2 चेन और सेम उसी में डबल क्रोशिया। तो हमारा ये कितना बना, ये जो 20 स्टिच बना, जो ये वाला जो बना हमारा, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आप अगर इसी तरह से किसी बच्चे के फ्रॉक बनाना चाहे तो उस हिसाब से आप ये बड़ा होता जाएगा। तरीका ही रहेगा बनाने का, ये छोटा सा सैंपल बना के दिखा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे 3 चेन बना के टर्न कर जाएंगे और वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन बनाया, सेम उसी में डाल के 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से बनेगा। 3 चेन को भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे हम, तो 2 डबल क्रोशिया
दो चेन और दो डबल क्रोशिया। नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं, ये वाला जो है यहाँ नहीं बनाना है, इसमें नहीं बनाना है, सीधे इसमें बनाना है। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो उसी में डाल के डबल क्रोशिया, फिर इसमें नहीं बनाना है, ये जो वी स्टिच आ रही है इसके अंदर बनाना है। दो डबल क्रोशिया, दो चेन और सेम उसी में डाल के दो डबल क्रोशिया, इस तरह से यहाँ तक आ जाते हैं। अब लास्ट तक आ गए, लास्ट का एक बच रहा है, ये इसमें भी दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया। ये हमारा सेकंड राउंड था, अब थर्ड राउंड शुरू होगा। तो एक चेन बना के टर्न कर लेते हैं और यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए हम बीच पे ये वी स्टिच पे आ जाएंगे। इस लाइन में हमारा, इससे पहले लाइन में हमारा यहीं से शुरू था, तो हमें यहाँ तक बीच में आना नहीं पड़ा था स्लिप स्टिच करके, पर ये हमारा यहाँ से शुरू होता है क्योंकि इससे पहले दो डबल क्रोशिया ये बन चुका है, तो इस वजह से हमें यहाँ तक। पिछली बार जैसे मैंने यहीं से शुरू कर दिया था ना, यहाँ से ही तीन चेन लेके शुरू कर दिया था क्योंकि किनारे में था ये। एक दो स्लिप स्टिच लिया, फिर बीच में आ गए स्लिप स्टिच करते हुए। अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बना के दो डबल क्रोशिया, एक और दो, तीन चेन को भी एक डबल क्रोशिया मानेंगे तो तीन डबल क्रोशिया हुआ। इससे पहले लाइन में दो डबल क्रोशिया हमने बनाया था, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, दो डबल क्रोशिया। इस राउंड में तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया होगा, एक दो और तीन। सीधे यहाँ वी स्टिच में आ जाते हैं, यहाँ नहीं बनेगा जो ये वाला वी स्टिच, ये वाला है यहाँ बनेगा। तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और वहीं तीन डबल क्रोशिया, एक सीधे इस वाले में आ जाते हैं, एक दो तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और वहीं तीन डबल क्रोशिया, सेम प्लेस में डाल। इस तरह से बनेगा, यहाँ तक आ जाते हैं लास्ट तक। ये तीन राउंड बन गया हमारा, एक दो तीन। इसके बाद मैं ये वाला किनारी बनाती हूँ। अब इसको कितना ही बड़ा कर सकते हो आप, मैं तीन राउंड ही बना रही हूँ इसके हिसाब से, क्योंकि ये डॉल का पोशाक बना रही हूँ मैं। तो इसके बाद इसकी किनारी शुरू करते हैं। यहाँ पे फिर से एक चेन लेके टर्न कर लेते हैं और स्लिप स्टिच करते हुए बीच में यहाँ तक आ जाते हैं। तीन हमारे पास डबल क्रोशिया था तो तीन स्टिच करके बीच में आ गए, ये चौथा बीच में आने के लिए। और यहाँ पे पहले तीन चेन बनाते हैं और उसके बाद आठ में डबल क्रोशिया बनाऊंगी, एक दो तीन चार पाँच छः ये नौ डबल क्रोशिया हुआ, तीन चेन को भी एक डबल क्रोशिया हम बांधेंगे। अब सीधे यहाँ आ जाएगी,
इसमें भी 9 और बना लेते हैं। ये बन गया। अब यहाँ पे चाहे तो आप डोरी लगा लीजिए या फिर बटन लगा लीजिए। इस तरह से लुक आया इसको, ये राउंड पोंचू छोटा सा। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।